हेलो फ्रेंड्स, मोइनी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाते ही आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी, और ये बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और ये फटाफट से बनने वाली मिठाई है। और तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं शाही टुकड़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी के लिए आधा लीटर दूध लिया है, ये कढ़ाई में मैंने रख दिया है। अब हम इसे पकने देते हैं और रबड़ी बनती रहेगी धीमे धीमे। ये देखिए दूध के ऊपर ये आ रहा है, ये बबल्स आ रहा है। इन्हें मलाई को हम एक साइड में करते जाएंगे। मलाई आ रही है ना ऊपर को, इसे एक साइड में करते जाएंगे। बीच बीच में ऐसे हम चलाते रहेंगे, बस ऐसे बनने बनने के लिए छोड़ देते हैं। आप दूसरी साइड हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 कप चीनी लिया मैंने, चीनी लिया, आधा कप पानी डाल दिया है मैंने। इसे हम चला लेते हैं, चीनी भून लेते हैं, चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारी सारी चीनी भून गई है। अब हम इसमें देखते हैं थोड़ा तार आ रहा है, नहीं आ रहा। अभी हम 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसे। अभी इसमें तार आना शुरू नहीं हुआ, 2 मिनट के लिए और पकाते। इधर देखिए रबड़ी तैयार हुई जा रही है, थोड़ी देर और पकने देते हैं। ये देखिए ये रबड़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। अब इसमें हम डाल देते हैं इलायची पाउडर, अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच चीनी डाल देते हैं, इसे मिक्स कर देंगे इसमें। कढ़ाई की गैस बंद कर दी है मैंने। अब इसकी चीनी घुल जाए बस रबड़ी हमारी तैयार है। ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए इसमें लास्ट ड्रॉप गिरेगी, तार खींचेगी एक छोटी सी। ये देखिए खिंच रही है ना, लास्ट ड्रॉप गिरती है तो। ये देखिए ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है और हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम सारी टुकड़े के लिए ये ब्रेड काट लेते हैं। ब्रेड काट करके एक साइड में रख लेते हैं। ये कढ़ाई में हमने देसी घी ले लिया है ये ब्रेड फ्राई करने के लिए। हम इसमें ब्रेड ये सेक लेते हैं, एक एक दो दो पीस आएंगे इसमें। ये गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। ये देखिए ये ब्रेड हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। इस चाशनी में हम ब्रेड डाल देते हैं और 2-4 सेकंड के लिए इसमें रहने देते हैं। डालते चलेंगे ना। इसी तरह से सारी ब्रेडों को हम चाशनी में डाल देते हैं। इन सारी ब्रेडों को हमने चाशनी में डुबो दिया और निकाल लिया। अब हम इनके ऊपर लगाएंगे रबड़ी, सब पे रबड़ी लगा देते हैं। ये देखिए हम सब पे ये रबड़ी लगा देंगे। इन सब के ऊपर रबड़ी लगा दी है। अब हम इन सब पे थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। बादाम लगा दिए, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा शाही टुकड़ा कंप्लीट। ये देखिए एकदम से बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। और इसे फटाफट से आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो आप जल्दी से बना करके उन्हें खिला भी सकते हैं। आप इन्हें मीठी ब्रेड भी कह सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।